उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। एक एक कस्बों को पूरी तरह से बंद कर जांच और सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। इसके तहत पाली और सांडी कस्बा को 23 तारीख तक सील कर स्वास्थ्य प्रशिक्षण शुरू कराया गया है। इन तीनों दिन सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकलेगा। यहां आपको बता दें कि जिला अधिकारी पुलकित खरे ने पाली पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरे इंतजाम कर रहा है। पिहानी, शाहबाद, बिलग्राम, मल्लावा कस्बा को सील कर जांच कराई गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कस्बा को पूर्ण रूप से 3 दिन के लिए लॉकडाउन भी कर दिया गया है। नगर में आवाजाही को रोकने के लिए 9 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ सांडी के बाजार में पूरी तरह से बंदी है। जिले की सीमा को भी सील कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। दोनों कस्बों में चिकित्सकों की टीम घर घर जाकर प्रत्येक परिवार की जांच करेगी। इस दौरान मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकान, परचून, दूध आदि की कई दुकानें बंद रहेंगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहां आपको बता दें कि पुलिस व नगर पालिका कार्यालय, सरकारी गेहूं केंद्र खुले रहेंगे। अन्य सभी कार्यालय, बैंक बंद रहेंगे। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। उसको लॉकडाउन करके जो है घर घर जो है स्क्रीनिंग करी जा रही है। मेडिकल की टीम आ रखी है और पूरी तरीके से लॉकडाउन करके एक एक घर में चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कोरोना बीमारी के खिलाफ प्रिकॉशन लेने के लिए। यही अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो है यहाँ पर फोर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, अन्य अधिकारी भी हैं और जल्दी इसको जो है पूरे इसको स्क्रीन करके चेक किया जाएगा। अगर कोई संदिग्ध मिलेगा तो उसकी आगे चेकिंग कराई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।